जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आँखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए, नैनों से जादूगर के, नैनों से जादूगर के गम सारा हर लिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे, गागर में मन के मेरे, गागर में मन के मेरे सागर को भर दिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलोली, आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोली, अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए,
अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। बाबा के हम प्यारे हैं और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बस बाबा के दिल में जगह चाहिए, जगह चाहिए। मिलेगा हमको ना कहीं ऐसा बागवान, कहीं बागवान, कांटों से बनी बनी घर जाइए। जन्मदिन पर तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर
तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर, जो है तेरे अरमां हो जाए पूरे और लग जाए तुमको उम्र मेरी, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। आप सबकी ओर से ये बधाई गीत है, आप चाहो तो तालियां बजा सकते हैं। छू भी न पाए तुझको जमाने का गम, लबों पे हंसी हो तेरे आंखें नम, मंजिल खुद आ जाए तेरे कदम पर, महके जहाए तेरा झूले गगन, हमारा उज्जवल तू कि तुझसे रोशन भर, तुम मुस्कुराते रहो जीवन। दिल की है धड़कन तू ही आंखों का नूर, लाडला है तू सबका सबका गुरु, तुम जो मिले तो पाया जहान है, कुछ भी न चाहे उस रब से हम, नए तराने बुनो नई किसी धुन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर, नए तराने बुनो नई किसी धुन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर, जो है तेरे अरमां वो हो जाए पूरे और लग जाए तुम उमर मेरी, यही दुआएं हैं तेरे जन्मदिन पर, तुम मुस्कुराते रहो ऐसे ही जीवन भर। कितना सुंदर मौका है कि हमारी दादी जी हम सबके बीच में पहुंची हैं, करतल ध्वनि से हम स्वागत करते रहेंगे जब तक दादी जी।
हमारी आदरणीय दादियाँ हमारे सामने मंच पर पहुँच चुकी हैं और निमिज के भाई बहनों का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो खुशी में झूम रहे हैं। निमिज की सविता बहन जो कि सेवा केंद्र को बहुत सुचारू रूप से चला रही हैं, दादी जी को तिलक दे करके स्वागत कर रही हैं और निमिज की अन्य बहनें दादी जी को ताज पहना करके अपनी खुशी प्रकट कर रही हैं और वो खुशी में झूम रही हैं। आखिर वह दिन आया आज जिसके लिए इनका सदा इंतज़ार था कि दादी हमारे साथ हों, हम दादी के साथ हों, तो वह दिन अभी आया है जो कि सभी मिलकर के प्यारी दादी जी का अभिनंदन कर रही हैं पुष्पों के द्वारा, मुकुट के द्वारा, मालाओं के द्वारा। और हम आप देख रहे हैं हमारे सुरेंद्र भाई जी को जिन्होंने पूरे 25 वर्ष के अंदर बहुत ही न्यारी और प्यारी स्थिति को बना करके प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त की है। आज उनका कितना ना सुंदर दिन है जो दादियों के अंग संग बैठ करके अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। निमिज सेवा केंद्र के सभी भाई बहने तथा उनके लौकिक परिवार वाले भी यहाँ पर पहुँची हैं और एक सुंदर मौका है कि ऐसा मौका तो कभी देखने को मिलेगा कि किस तरह से शरीर अपना जवाब देता रहा लेकिन मन की शक्ति ने शरीर को भी शक्तिशाली बना दिया और प्रकृति पर आपने विजय प्राप्त कर ली। तो अभी हमारी विशेष निमिज सेवा केंद्र की बहनें दादी जी का पुष्पों के द्वारा स्वागत कर रहे हैं और उन्हें चुन्नी, हार, माला पहना करके अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। आप सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करते रहेंगे। कितना सुंदर मौका है, ऐसा मौका इस संगम युग के अंदर मिले कि बाबा ने हमें पहले ही बता दिया है कि संगम का सुख सतयुग में तो जो सुख पाएंगे ही लेकिन संगम का जो ईश्वरीय आनंद है वह किसी खुश नसीब को ही प्राप्त होता है, भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। कितने न भाग्यशाली हैं जो कि इस प्रकृति पर जीत पाते हुए अपने आप को विजयी रतन अनुभव करते हुए खुशी अनुभव करते हैं और संगम युग के अंदर दादियों के अंग संग ब्राह्मण परिवार के साथ मिलकर के ये उत्सव मनाना, खुशी मनाना कितना बड़ा शुभ अवसर है। ये अवसर सदा साथ है, सदा ही ऐसे रहे। हम ब्राह्मण यही चाहते हैं और बाबा भी यही चाहते हैं, बच्चे सदा खुश रहें, खुशियों में झूमते रहें।
आज का दिन कितना न सौभाग्यशाली है। हमारे सामने दो ऐसे विशेष रत्न हैं जिन्होंने प्रकृति के ऊपर विजय पाई है। एक तो हमारी आदरणीय दादी जानकी जी, उनका हमारे सामने एक सुंदर एग्जाम्पल है कि दादी को देखा क्या होता है, प्रकृति अपना खेल करती रहे, दादी अपनी खुशी में नाचती रहती हैं, मस्तियों में हैं, सबको खुशी में नचाती रहती हैं। यही कारण है कि दादी जी को देखकर हमारे अन्य भाई बहनें भी प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए किस तरह से पुरुषार्थ करते हैं। हमारे सुरेंद्र भाई ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करके एक सुंदर एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। हमारे बीच में आदरणीय दादी जानकी जी हैं और अभी दादी जानकी जी आज के शुभ अवसर पर वरदानी बोलों से हम सबको भरपूर करेंगे। ओम शांति। बोलो मेरे बहन भाई, ओम शांति। नहीं बोलते हैं? अच्छा, मैं तीसरा बार भी बोलती हूँ फिर जैसे ओम शांति। अच्छा, थैंक यू। ये तो तीन बारी जो ओम शांति भी मैं बोलती हूँ ना वायुमंडल में, बस वायुमंडल में, मैं आत्मा मेरा परमात्मा, अभी हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है, बस मेरा भाई वंडरफुल है, वंडरफुल है ना बाबा, वंडरफुल है। इसको पाग पहनाई, अच्छा किया, अच्छा किया। मैंने सुना है मेरे भाई को बाबा ने नई आयु दी है 25 साल। अच्छा, सिल्वर जबली बना रहे हैं, गोल्डन जबली कभी मनाएंगे बहन? नहीं, मेरे भाई कमाल का काम करने वाला। हम बहनों को कहते आप तो बैठी रहो, हम मैं बैठा हूँ सेवा करने के लिए, ऐसे है ना भाई साहब? जी दादी। क्यों, हम तो थोड़ा आप कहते हैं बैठ जाओ सब आ करके, सब हमें बैठो। बहन जी कहती है ऊपर से हमारी शान बुला रहे बैर, वहाँ बुला रहे हैं, तो मैं यहाँ हाजिरी भरने के लिए, आपका प्रेम से मनाने के लिए 2-3 मिनट के लिए आई हूँ। आप सदा खुश रहो, आबाद रहो, हमको कभी याद करना, भूल न जाना, मेरे को कभी भी याद न भूल न जाना, मेरा भाई हो ना। यज्ञ सेवा के लिए आपका ड्रामा में इतना विशेष पार्ट है ना, मैं तो सब आती हूँ ना, ओम शांति कहती हूँ तो भी 2 बारी तो कोई जवाब नहीं देता, 3री बारी में देता है। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी 5 बातें जो मैं कहती हूँ ना वो तो सदा ही सबके साथ है। 5 बातें पवित्रता, सत्यता, धीरता, निम्रता, मधुरता, ठीक है ना भाई मेरा? आपकी आयु उनको दे दो जी दादी। भाई बहन जी कहती है अपनी आयु को, मैं अपनी आयु नहीं देंगे, मैं उनको लग जाए मेरी आयु नहीं, ये उठे लोग कह देते हैं, मैं बूढ़ी तो रही हूँ जो ये कहूँ। हर एक समझो, जो बूढ़े लोग कहते हैं मेरी आयु तेरे को लग जाए, मैं ऐसे नहीं कहती हूँ, मैं कहेंगी मेरे भाई की आयु में सेवा जो बाबा ने कराई है और भी ऐसी करेगा, जो दुआओं का भंडार भाई जी के लिए भरपूर रहे, ये मेरी भावना बाबा पूरी कर रहा है। मेरी भावना है बाबा की भंडारी
भरपूर रहे, समय स्वास्थ्य संकल्प सफल होता जाए, समय संकल्प जो स्वास्थ्य करता है वो सफल होता रहे। कितनी खुशी की बात है, ऐसे आपका सिल्वर जुबली मना रहे हैं, फिर गोल्डन जुबली में क्या प्रोग्राम होगा, बहन जी भक्ति बताएंगे, मैं क्या करेंगे, मुझे क्या। अच्छा, डायमंड हॉल में रखेंगे, वो डायमंड हॉल में रखेंगे प्रोग्राम, जो भी करेंगे, मुझे जाने जाते हैं। अभी पूछा कॉन्फ्रेंस हॉल में क्यों चल रहे हैं, कहा 5 मिनट 10 मिनट बैठना, अपना दो वचन दो शब्द है क्या सुनाऊं। देखो, खुश रहो, आबाद रहो, पंत बाबा की बातों को जीवन में दाता हुआ देख, सभी आपको देख, वाह बाबा वाह, वाह बच्चा बाबा वाह, भाई मेरा वाह, वाह नहीं कहते हैं, वाह मेरा भाई वाह। ओके, ओम शांति, थैंक यू, थैंक यू दादी। ओके, दादी जी ने तो आशीर्वाद और दे दिया, गोल्डन जुबली मनाएंगे, फिर प्लेटिनम जुबली भी मनाएंगे, जोर से ताली बजाओ, और बहुत सुंदर और भी कार्यक्रम रखेंगे। दादी जी ने वरदानों से भरपूर कर दिया, और कितना सुंदर मौका है, दादी जी भी आपकी प्रकृति की जीत को देख करके कितना न हर्षित हो रही हैं। सुरेंद्र भाई दादी जी को अपनी स्नेह भरी याद सौगात दे रहे हैं, और आप सभी करतल ध्वनि से अपनी खुशी प्रकट करेंगे। दादियों ने तो हमें इतना भरपूर किया है, ये केवल एक स्नेह की निशानी है, जो अपने मन के उद्गार दादियों के प्रति, बाबा के प्रति हम प्रस्तुत करते हैं। वो अपने मन के स्नेह की भावनाएं दादी जी को अपने दे रहे हैं। अभी इसके बाद कैंडल लाइटिंग और केक होगा। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए, झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक नजारे। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत, खुश रहो बर्थडे।
अब इसके बाद निमित सेवा केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी सविता बहन सुरेंद्र भाई और सविता बहन इनका पूरा ग्रुप मिल करके बहुत अच्छी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी सविता बहन निमित सेवा केंद्र के इंचार्ज शब्दों के द्वारा सबका स्वागत करेंगी। आज इनके मन में कितनी ना खुशी है, अपनी खुशी के बोल, स्वागत के वचन हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगी सविता बहन। ओम शांति। आज बड़े खुशी का दिन है क्योंकि यज्ञ में शुरू से हमने देखा शरीर की सिल्वर जुबली बनती है, ज्ञान की में चलने वाले नए जीवन की जो सिल्वर जुबली बनती है, आज हेल्थ सिल्वर जुबली बन रही है। क्योंकि ऐसे तो भाई साहब को 46 वर्ष ज्ञान में चलने हो गए हैं, लेकिन अलौकिक जन्म में भी रियालौकिक बर्थ मिला। 1993 में बीमारी हुई, 94 से लेकर अभी तक जो बाप दादा ने ठीक किया उस हेल्थ की सिल्वर जुबली मन रही है। आज के सिल्वर जुबली में आए हुए अतिथियों का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम तो मीठे प्यारे बाप दादा का स्वागत। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप पधारे आज यहाँ पर, आप करावन हार है, आपका शासन सारे जहान पर। मंच पर विराजित हस्तियों का, मंच पर विराजित हस्तियों का स्वागत किन शब्दों में करूं? शब्दों से खाली शब्दकोश है, उस खाली को कैसे भरूं? हमारी त्रिमूर्ति दादियां और मुन्नी दीदी जी का स्वागत है। ये कार्यक्रम आपकी ही देन है, आज रखी सबकी दावत है, आज रखी सबकी दावत है। दादी जानकी में जान हमारी, दादी जानकी में जान हमारी, दादी जी की आयु के लिए कहा गया है। दादी जानकी में जान हमारी, चौके छक्के खूब लगाए, नाबाद शतक अभी चालू है, दोहरा शतक भी आप बनाए, दादी जी की आयु के लिए कहा गया है। रतन मोहिनी दादी जी हैं रोल मॉडल, रतन मोहिनी दादी जी हैं रोल मॉडल, खुद को संभाल सबको संभालें। ऑफिसर लाइक इनके सिग्नेचर, ऑफिसर लाइक इनके सिग्नेचर, सबकी फाइल भी देखे भाले, हमारी दादी रतनमयी जी, दादी ईशु दादी जी जो यज्ञ का बाबा के समय से हिसाब रखती हैं, हिसाब रखें और हिसाब भी काटें, हिसाब रखें और हिसाब भी काटें, ईशु दादी अब प्यार बांटती हैं। संतोष दीदी हैं संतोषी, संतोषी देवी का प्रसाद क्या होता है पता होगा आपको, गुड़ और चना। संतोष दीदी हैं संतोषी, पर गुड़ में कठोर चना भी बांटती हैं। दादी प्यार भी देती हैं दीदी जी, और उतनी ही हमें बहुत सुंदर शिक्षाएं भी देती हैं, तो गुड़ में कठोर चना भी बांटती हैं। मुन्नी दीदी जी, मुन्नी दीदी भले आंख दिखाती पर लगता वो भी जरूरी है। दीदी जी के हाथ में जो प्रशासन है, और हम 2-3 दिन से दीदी के संपर्क में बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो हम लोग बहुत बारीकी से दीदी को नोट कर रहे हैं। मुन्नी दीदी भले आंख दिखाती पर लगता वो भी जरूरी है, वो महान नहीं महान प्रबंधक है, वो महान नहीं महान प्रबंधक है, वो सुपर कंप्यूटर पूरी है। आप सब अनुभव होंगे इस बात की। हमारे भाई साहब आए नहीं निर्वेर भाई साहब, पर उनका स्वागत यहाँ होगा जरूर।
निर्वीर जी में वैर नहीं है, निर्वीर जी में वैर नहीं है, बाप समान ही लगते हैं। यज्ञ की जिम्मेवारी संभाले, कब सोते हैं कब जगते हैं। ब्रजमोहन जी सबको मोहे, भाई साहब नहीं है लेकिन उनका स्वागत है यहाँ। ब्रजमोहन जी सबको मोहे, मन की मौज में रहते हैं, खेल खेल में पाठ पढ़ाते, सदा ही सच सच कहते हैं। आत्म प्रकाश भाई जी के लिए, आत्म जी ज्ञानमृत पिलाते, करुणा जी करुणा कारक हैं। आप सभी को यहाँ ये स्टेज पर निमंत्रण है था, पर शायद कुछ कारण से भाई सब नहीं पहुँचे। आत्म जी ज्ञानमृत पिलाते, करुणा जी करुणा कारक, भूपाल जी है भूपालक, और मृत्युंजय जी पताका धारक। सेवा की पताका आगे ले करते हैं, सेवाओं को उतना आगे बढ़ाते हैं। अमीरचंद भाई साहब को भी निमंत्रण था पर वो नहीं पहुंच पाए, पर उनका भी यहाँ वेलकम है। अमीरचंद जी जो शहंशाह हैं, हर बात इशारों में ही कहते हैं। गोपाल जी सबसे न्यारे, अपने आप में मस्त रहते हैं। डॉक्टर साहब को भी निमंत्रण है। डॉक्टर गुप्ता हैं, डॉक्टर गुप्ता हैं गुप्त पुरुषार्थी। प्रताप जी हैं बड़े प्रतापी, डॉक्टर प्रताप भाई साहब को बुलाए। डॉक्टर गुप्ता हैं गुप्त पुरुषार्थी, प्रताप जी हैं बड़े प्रतापी। मोहन सिंगल जी शांत स्वरूपी, चाहे हो फिर कितनी आपाधापी। राजू भाई साहब जी के लिए, राजू जी सब रहस्य जानते, फिर भी चुप है नहीं बोलते। राजू भाई साहब के समय कहते हैं बाबा के समय की कई डायरियां हैं, उनके पास बहुत गुप्त राज हैं। राजू जी सब रहस्य जानते, फिर भी चुप है नहीं बोलते। सूर्य भाई जी है महाज्ञानी, जाने कितने रहस्य खोलते हैं। हरिलाल जी भाई के लिए है, हरिलाल जी धुन के पक्के, हरिलाल जी धुन के पक्के, गॉडलीवुड क्या खूब जगाया। भरत भाई ने तोड़ फोड़ कर हर झोपड़ी को महल बनाया। हमारे डॉक्टर, हमारे अशोक भाई जी, अशोक गाभा जो उस समय ऑफिसर रहे एयरपोर्ट के, हवा से बातें करने वाले हैं अपने मीठे अशोक जी गाभा। कितने महारथी हैं एक मंच पर, देखते हैं ऊपर से बाबा। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, स्वागत बारंबार है। आप पधारे हम हर्षाए, ना इस खुशी का पारावार है। मीठे प्यारे बाप दादा, अब मैं आपका आवाहन करूंगी। आप ही आए, आप चलाएं, आपका ही मैं ध्यान करूंगी। अंत में शशि दीदी है हमारी अपनी, हेड ऑफिस क्या खूब चलाए। दीदी जी पांडवभवन में रहते हैं, हेड ऑफिस में। शशि दीदी हैं हमारी अपनी, हेड ऑफिस क्या खूब चलाएं। ये कार्यक्रम अब आप संभाले, आए दीदी कृपया आप आए। बाबा के हर रतन के कितनी ना विशेषताएं हैं, बाबा ने हर रतन को इतना भरपूर किया है, जिनका वर्णन करें उतना ही कम है। तो हम सुरेंद्र भाई के लिए, जिनको बाबा ने ज्ञान से श्रृंगारा, गुणों से भरपूर किया, शक्ति दी, उस शक्ति के आधार से सेंटर को चलाया,
अनेक सेवाएं आप कर रहे हैं, निमिज सेंटर, आसपास सेंटरों को, गीता पाठशाला, विभिन्न प्रकार की सेवाएं आप करते रहते हैं। ना जाने कितनी विशेषताएं बाबा ने आपके अंदर भरी हैं, और उन विशेषताओं को सेवा में, धारणा में, पुरुषार्थ में लगा करके सेवा केंद्र की बहनों को भी संगठित रूप से आप बहुत प्यार से चला रहे हैं। कमाल है, एक सुंदर एग्जाम्पल आपने निमिज के अंदर स्थापन किया है। तो अब हम आदरणीय भ्राता सुरेंद्र भाई जी से उनके अनुभव के उद्गार सुनेंगे। आपकी एक विशेषता ये रही कि शरीर ने अपना साथ नहीं दिया, लेकिन इन्होंने शरीर को अपने साथ ले लिया और शरीर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर विजय करके दिखाया। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि किस प्रकार से प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है, परमात्मा की याद, बाबा का प्यार और ज्ञान के पुरुषार्थ से आपने प्रकृति को जीता। इसके लिए हम आपको नए जन्म के लिए बहुत जोर से करतल ध्वनि के द्वारा आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं, मुबारक देते हैं। आप जियो हजारों साल, और हम आपके साथ मिलकर के हर बार आपका बर्थडे मनाते रहें, नया जन्म का मनाते रहेंगे। इसी प्रकार से सभी समर्पित भाई बहनें आपके साथ मिलते हैं और मिलते रहेंगे। आपको देख करके पूरा ब्राह्मण परिवार कितना न खुश है, उनके मन में भी प्यारे बाबा के लिए कितने उद्गार हैं और आपके लिए हैं। अब सुरेंद्र भाई अपने अनुभव हमारे सामने रखेंगे। सुरेंद्र भाई, ओम शांति। सबसे पहले तुम्हें बाप दादा, हमारी त्रिमूर्ति दादियाँ, सारे वरिष्ठ हमारे आदरणीय भाई, हमारी मुन्नी दीदी जी और आप सब उपस्थित महान आत्माओं का बहुत 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 ऋणी आभारी, और मैं अपने आप को इतना कर्जदार मान रहा हूँ कि आज हमारी आदरणीय रतनमन दादी जी, हमारी आदरणीय जानकी दादी जी और मुन्नी दीदी जी की महती कृपा से मुझ जैसे नाचीज को, एक यज्ञ के छोटे से सिपाही को, जिसका यज्ञ में कोई वजूद नहीं, उसको आपने इतना महान सौभाग्य दिया इस मंच पर बैठने का, सानिध्य सबके बीच में बैठने का, बहुत बहुत आभारी। मेरे साथ कुछ बचपन से ही भगवान ने शायद मुझे कुछ विशेष काम के लिए चुना हुआ था। ऊपर नीचे बहुत हुआ। पढ़ाई में अच्छा था, फिर कुछ हुआ, फिर पटरी से जीवन नीचे उतरा, फिर बाबा मिले, बहनों के प्यार, और बाबा ने पूरा 360 डिग्री हमारा जीवन बदल दिया। 19-20 साल बड़े आराम से चल रहे थे, बड़ा अच्छा पुरुषार्थ सेवा भी चल रही थी, बड़ा मज़ा आता था। 93 में मैं बहुत संक्षिप्त, बहुत ही सार में मुझे 5-7 मिनट में पूरा करना है, क्योंकि समय सबका बहुत कीमती है। 93 में हुए ट्यूमर, बड़ी मुश्किल से डायग्नोसिस हुआ। उस समय साधन सुविधाएं बहुत बहुत कम थी, इवन उदयपुर जैसे शहर में, भीलवाड़ा जैसे शहर में, कहीं आसपास भी अजमेर जैसे शहर में भी सीटी स्कैन सेंटर नहीं हुआ करते थे। तो मुझे अहमदाबाद बॉम्बे ले जाया गया, वहाँ चेक किया। डॉक्टर सरप्राइज थे, डॉक्टर पी आर ठाकुर, डॉक्टर पंकज एम शाह, डॉक्टर सचिन कलकले, डॉक्टर मनोज, ऐसे 4-5 डॉक्टरों से
आपस में मुलाकात होकर वो सरप्राइज थे कि एक ट्यूमर के बजाय उस समय मेरे ब्रेन में 9 ट्यूमर थे और शायद वही नवरत्न मुझे आज तक बचाए हुए हैं। उनको मैं नवरत्न कहता हूँ और इसीलिए मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरी अपनी जान जिसमें बसती है आज भी और जो मेरी ज़िंदगी की दाता हैं बाप दादा के साथ, वो हैं दादी प्रकाशमणि जी। प्रकाशमणि दादी का मुझे जब से ज्ञान में चला, उनकी बहुत प्यारी दादी और दीदी दोनों की शिक्षाएं मिली, बहुत पालनाएं मिली और दादी ने जब जब मैंने गलतियां की मेरा कान भी पकड़ा और बड़े प्यार से शिक्षा दे के सुधारा भी। उसी दादी की मेहर है कि जब मैं सब तरफ से पता लग गया कि अब सुरेंद्र भाई को केवल लास्ट स्टेज पे अहमदाबाद जाना है, तो हमारी आदरणीय परम श्रद्धे हमारी वरिष्ठ जिनसे मेरा बहुत नज़दीक का संबंध रहा, मोहिनी दीदी जी के साथ मुझे अहमदाबाद भेजा। वहाँ पे सारे चेकअप हुए, शाह कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, परिवार के लोग यहाँ बैठे, इनमें बड़े भैया भी साथ में ही थे, हमारी माँ भी थी उस समय, हमारी सविता दीदी भी सब साथ में थे। कुल मिलाकर के मैं आपको बहुत संक्षिप्त बताऊं, इतने वो लोग आश्चर्यचकित जाने क्या क्या प्रयोग किए, कभी कहा कि ट्यूबरक्लोमा हो सकता है, कभी कहा मैलिग्नेंसी हो सकती है, अलग 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 एक्सपेरिमेंट में उनके लिए एक प्रयोगशाला था, बहुत से प्रयोग किए महीने डेढ़ महीने, और कहते हैं ना इलाज कराते गए मर्ज बढ़ता गया और धीरे 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 मेरी बॉडी कोलेप्स होती चली गई, पैरालिसिस हो गया, मुंह टेढ़ा होके एकदम स्टिफ होके गर्दन टेढ़ी हो गई, आँखों से दिखना लगभग लगभग बहुत कम हो गया था, क्योंकि शुरू में ही मेरे को डॉक्टर आई से डॉक्टर विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं किशोर नरूला, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी दोनों आँखों पे तो बड़े बड़े ट्यूमर बैठे हैं, कभी भी तुम्हारी बस्ट होके आँख बंद हो सकती है। आवाज़ भी चली गई थी, चलना फिरना असंभव हो गया था। डॉक्टरों ने हमारे बड़े भैया बैठे हैं उन्होंने डॉक्टरों से बात की क्या कैसे कर क्या हो सकता है, तो उनका ठीक है हम ऐसा इनका सिर्फ रेडियोथेरेपी करेंगे, कोबाल्ट शेक देंगे, उनको जलाएंगे ट्यूमर को तो शायद ये 6-8 महीना चल सकते हैं। मैंने कहा भाई रोज़ जलाने से अच्छा है एक ही बार जलने दो, काय को रोज़ रोज़ जलाते हो, मुझे छुट्टी दो, मुझे मधुबन जाने दो अपने घर में, ताकि मैं बाबा की याद में अपनी देह त्याग कर सकूँ। सारी व्यवस्थाएँ पहले से हो चुकी थी, अंतिम संस्कार कौन करेगा, चिता की अग्नि कौन देगा, भोग कौन लगाएगा, सारे नाम जत थे वो, आज उनमें से बहुत कुछ नहीं है, मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ। राधा दीदी जी को अंतिम संस्कार करना था और भी कई निमित्त बनाए थे मैंने अलग अलग के, कोई घर पे मातम नहीं हो, बड़ा जश्न मने इस मेरा, क्योंकि मैं बड़ा आनंद में रहता था, बहुत परम आनंद, जाने क्या जादू हुआ उस समय मुझे अचानक, कोई मैं बहुत तीव्र पुरुषार्थी, मैंने बहुत बड़े कोई तीर मारे हों सेवाओं के, बहुत कोई नामी ग्रामी हस्ती रहा हूँ, कुछ भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो जब बीमारी जब आई तो अंदर से जैसे खुशियाँ यूँ फट फट के बाहर आती थी, इतना खुश रहने लगा, इतना प्यार से सबको ज्ञान सुनाने लगा। कैंसर हॉस्पिटल में जैसे मैं एक खिलौना था, मुझे बुला बुला के अलग अलग वार्ड में ले जाते, मेरे कमरे में आओ मेरे कमरे में आओ, जैसे ही डॉक्टर नर्स इधर उधर होते मैं भाग के इधर उधर चला जाता, और बड़ा इन्जॉय किया मैंने उस बीमारी को। खैर जब हालत दादी ने मुझे फ़ोन से, दादी उस समय अहमदाबाद में टेलीफोन वगैरह की फैसिलिटी इतनी नहीं होती थी, तो हॉटलाइन से कनेक्शन था अहमदाबाद का मधुबन से, तो दादी रोज़ हॉटलाइन से सलाह, दीदी जी और एक निमित्त हॉस्पिटल की बहन थी, मुझे मालूम नहीं नाम भूल गया मैं इसका, रोज़ बात करके समाचार लेती थी। जब दादी को पता लगा कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो उन्होंने डॉक्टर अशोक मेहता साहब को बुलाया, अशोक मेहता साहब भी अहमदाबाद आए, उन्होंने भी सारी रिपोर्ट देखे, कहा कि इसको अमेरिका ले जाओ, तो कहा दादी अमेरिका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका ब्रेन खोला ही नहीं जा सकता है, और ब्रेन खोला तो टेबल पे ही ओम शांति हो जाएंगे। कुल मिलाकर के मतलब लास्ट था, मैं भी खुश था कि चलो अपने को भी अब आराम से देह त्याग करके इस पुरानी देह से मुक्ति मिलेगी, और मैं खुश क्यों था बताइए, मैं बताता हूँ, संगम की एक बड़ी खुशी है। अब देखो मौत को कैसे स्वीकार करना चाहिए, मैं इसलिए खुश था कि जब होलसेल में विनाश होगा तो पता नहीं कौन भोग लगाएगा, कौन संस्कार करेगा, हैं उस समय पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कोई 8 और 108 का दाना तो हूँ नहीं जिसको बाबा अपनी गोद में उठा के ले जाएगा, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ है। तो
कम से कम इन दिनों 12 दिन भोग तो खाऊंगा, वतन में बाबा के साथ बैठूंगा तो सही, दिल की बाबा से बात तो करूंगा, कम से कम मुझे बाबा के पास तो जाने को मिलेगा। तो वो सीन देखने के लिए भी बड़ा बेताब था कि बाबा मुझे ले चल, में बड़ा खुश था। खैर बाबा की मर्जी, डायरेक्टर वो है, मालिक वो है हमारा, उसकी हम कठपुतली हैं। मैं, दादी ने मुझे कहा मैं शिकागो जा रही हूँ सुरेंद्र भाई धर्म संसद में भाग लेने के लिए, 93 में सितंबर की समथिंग बात होगी। कहा तुम अभी आ जाओ मधुबन, और ज्ञानामृत में मुझे कमरा दिया आतम जी के पास, हमारे बलवंत भाई साहब सामने बैठे हुए हैं, डॉक्टर बलवंत राय के पास कमरा दिया। इन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की, ईमानदारी से रात रात दिन खुद जागे ये, और बार बार मेरा ऑब्जर्वेशन करते थे, दाएँ सोता है बाएँ सोता है। मैं बार बार भाग के कभी भंडारे में जाता, कभी मैं वॉलीबॉल खेलने चला जाता, गर्दन चलती नहीं, हाथ पैर चलता नहीं, फिर भी वॉलीबॉल खेलने लगता जाके, तो यहाँ से पकड़ के लाते, अरे चल मेरे भाई कहाँ भी ट्यूमर फूट जाएगा एक वॉलीबॉल लग गया तो। ये डॉक्टर बलवंत पकड़ पकड़ के मुझे ला के बिस्तर पर सुलाते थे, बड़ी ज़बरदस्त वो सब सीन थी। खैर मैं 1 फरवरी 1994 को बाप दादा आने वाले थे ओम शांति भवन में, मैं नीचे था, सब जाने वाले थे ऊपर, तो आतम जी ने और हमारे बलवंत जी ने, इनके पास वो एक एम्बुलेंस ही ओमनी वैन को उन्होंने एम्बुलेंस बना रखी थी और खुद ही उस पर चलाते थे, तो मुझे उसमें बिठा करके ये बाप दादा से मिलाने के लिए ऊपर ले गए। और मैं कोने में बैठा हुआ था बाप दादा से मिलने के लिए, करीब 3-4 हज़ार की सभा लगी होगी ओम शांति भवन, आप जानते हैं बाप दादा आते हैं तो फुल खचा खच होता है, और टीचर्स इतनी आगे बैठ जाती हैं कि टीचर्स का सबसे पहले अधिकार होता है उनके बीच में से जाना, किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि बाप दादा ने मुरली चलाई, वो मुरली आज तक मुझे याद है। ये देखिए वो डायरी मेरे पास वही है जहाँ मैंने एक सीधे हाथ से भी मैं मुरली जरूर लिखता था, मुरली जरूर लिखता था मेरा मुरली। मैंने 3 नियम लिए थे ज्ञान में चलने के पहले, कि मैं 3 नियमों को, जब मैं शुरू में ज्ञान में चला तो मैं बहुत शैतान किस्म का आदमी था, थोड़ा लाइन से पटरी उतरा हुआ था, सारे उल्टे सीधे काम जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेता था, मारपीट हिंसा जुआ जावा ये सब सारे काम मेरे बाएँ हाथ के खेल थे, पैसा भी उलटपटांग बहुत आता था, बहुत शैतानी का पैसा भी था। तो जब मैं बाबा को, जैसे ही मैंने एक दिन का कोर्स किया और दूसरे दिन का हमारी किरण दीदी जी महू वाली, वो आज नहीं है, मैं उनको याद करता हूँ, शी वॉज MSc एट दैट टाइम, एक विशेष बहन थी, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से कोर्स कराया। और दूसरे दिन शिव बाबा जैसे ही मुझे मिला, बस मैं रोने पड़ा, खूब रोया बहनों के आगे, खुल के रोता कभी नहीं हूँ, दुख से मैं कभी रोया ही नहीं हूँ, कभी जिंदगी में दुख से नहीं रोया मैं। मेरे को मार डालो, हड्डियाँ तोड़ डालो, एक एक हड्डी पे छेद कर डालो, मेरे उस समय 8-8, 9-9 छेद किए, वो डॉक्टर साहब बताएंगे पता नहीं कौन सा टेस्ट होता है जो ड्रिल करते हैं, उसमें छोटा ड्रिल चलता है और उसमें से निडल में से फ्लूड खींचते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में, मेरा स्पाइनल कॉर्ड पूरा सूख गया था। तो वो ऑपरेशन थिएटर में वो ऐसा बेल्ट बांध देते यूँ और यूँ करके, जैसे पिल्ला होता है कोई, उसको पूरा ऐसा बांध के, एक नर्स मोर देन 6.5 फिटेड नर्स वॉज देयर इन OT ऑपरेशन थिएटर में, वो ऐसा पकड़ लेती थी और हड्डी को बाहर निकाल देती और उसमें छेद करते। मैंने कहा मैं ये नर्स की गोद में नहीं जाऊँगा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं अकड़ गया डॉक्टर से, डॉक्टर सचिन कलकले थे वो, मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बैठूंगा जहाँ आप कहोगे, जैसे आप कहोगे वैसे बैठ जाऊँगा, मैं राजयोगी हूँ, तपस्वी हूँ, मेरा तो हिलने वाला का कोई, बोले इसमें बेहोश भी नहीं करते हैं, एनेस्थीसिया भी नहीं देते हैं, सुन भी नहीं करते हैं, वो छेद करना पड़ता है, और अगर जरा भी आप हिल गए और निडिल अंदर टूट गया तो फिर क्या होगा। मैंने कहा अपने पैसे ले लिए मेरे से सारे, आपने मरने के साइन भी करा लिए, अब मरूंगा तो मैं, हड्डी टूटेगी तो मेरी, निडिल टूटेगी तो मेरे, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं जैसे आप कहोगे वैसे बैठ जाऊंगा। मैं खूब जद्दोजहद हुई ऑपरेशन थिएटर में, मैं अपनी जिद पे कायम रहा। उन्होंने कहा ठीक है आपकी जो मर्जी करो। तो मैंने कहा बाबा, मैंने कहा आप 2 मिनट मेरे को अकेला छोड़ दो, देखो मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ, 2 मिनट अकेला छोड़ दो मेरे को। तो बोले क्यों? मैंने कहा मेरा कुछ बात करनी है भगवान से। बोले भगवान से बात करोगे आप? मैंने कहा हाँ भगवान से बात करता हूँ मैं। अच्छा, मैं 2 मिनट बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा मैंने बहुत फाँका फूकी कर दी यहाँ पे, लंबी चौड़ी दे दी इन सबको, राजयोगी हूँ, ये हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ, मैं होता हूँ तो कुछ नहीं, पर वो नर्स की गोद में नहीं जाना था मेरे को, इसलिए मैंने तो ये सब करा। तो अब आप जानो, आपका काम जाने, आपने, मुझे याद है वो सीन कि दीदी को आपने वतन में रखा जब डॉक्टर भगवती उनकी सर्जरी कर रहे थे बॉम्बे में, तब आपने फुल टाइम दीदी को वतन में रखा और दीदी का वो शिकवा दूर किया जब साकार बाबा ने अपने शरीर छोड़ने से पहले दीदी को बाहर भेज दिया और दादी को रोक लिया था।
उस शिकवे की पूर्ति आपने दीदी करी, पूरे वतन में रखा, तो बाबा मुझे मुझे भी आज वतन में रख लेना, ये सुई लगाएं या कुछ भी करें, आप मुझे प्लीज़ वतन में रख लेना, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, जब दीदी को रख सकते हो तो मेरे को भी रख सकते हो, इसे रिक्वेस्ट किया और बाबा ने सचमुच मुझे वतन में ले लिया। एक छेद, दो छेद, तीन छेद, चार छेद, पाँच छेद, सात छेद, छेद करते करते थक गया डॉक्टर, फिर वो वापस निकाल ली, बोले भैया पूरा सूख गया है, ये डॉक्टर पंकज शाह आएंगे ना कल, वो करेंगे। मेरे मैंने कहा कलवल नहीं भैया, तुम आज 8 के 80 कर डालो, हाँ आज की प्रॉब्लम आज अपना उधारी का मामला है, वो सेटिंग ऊपर से आप तो आज कर जितने करना है कर डालो, कल नहीं कराऊंगा मैं किसी हालत में भी नहीं कराऊंगा कल। तो बोले फिर क्या करूँ मैं, 8 छेद हो गया, बोले सूखा कुछ भी नहीं है, कमर पूरी आपकी बेकार हो चुकी है। मैंने कहा भले 9वां छेद करो। तो मैंने कहा अच्छा एक बात आपने देखा मैं हिला क्या, बोले हाँ हिले तो नहीं आपने, मैंने उफ़ किया क्या, बोले उफ़ भी नहीं किया, आप तो कहते थे मर जाएगा, मैंने मरा भी नहीं। तो अब आप एक मेहरबानी कर दो, आप प्यार से बोलो मेरे शिव बाबा ओम शांति, इतना तो बोल सकते हो आप, तो बोले हाँ इतना बोल सकता हूँ। तो डॉक्टर सचिन ने मेरे प्यारे शिव बाबा ओम शांति, मैंने कहा अब छेद करो, ढेर सारा फ्लूड आ गया। तो जादूगर है बाबा हमारा, बाबा से हम क्या नहीं कर सकते और बाबा हमारा क्या नहीं कर सकता, बाबा सब कुछ कर सकता है, सिर्फ उसको यूज़ करना है। और मेरा फ्लूड आ गया, बाद में उन्होंने कह दिया भैया तो ओम शांति अब कुछ नहीं ले जाओ, और फिर मुझे वहाँ से कोलैप्स करके रवाना कर दिया। बड़े भैया वगैरह सब बैठे, वो उठा लाए और मैं दादी के पास आया, दादी ने मुझे मिली, मुझे फिर बाप दादा के सामने लाए। मैं मेन सीन सुना देता हूँ, बस वो ज़्यादा नहीं सुनाता, ये मेरी जान है इसके अंदर, ये वो मुरली मेरे हाथ से लिखी हुई है, ये मुरली 1 फरवरी 1994 त्रिकालदर्शी बाबा त्रिकालदर्शी स्वरूप में अपने त्रिकालदर्शी बच्चों से मिल रहे थे, ये वो मुरली है, ये वो मुरली जो मैंने अपने हाथों से, सीधा हाथ चलता था, बायां तो बिल्कुल लॉलीपॉप हो गया था, ऐसे लटका हुआ था, तो उससे मैं चलता था। अब मैं बताऊं आपको सीन, वो जो सीन हुआ वो सीन बताऊंगा मैं आपको, एक मिनट और लूँगा, वो सीन बता दूं क्या हुआ। मैं कोने में बैठा हुआ था, फिर मुरली चल गई, सारी मुलाकात हुई, तो सब माइक हटा के दादी ने बाबा से 10 मिनट तक बात की। मैं समझा दादी ऐसी बात कर रही होंगी, माइक हटा दिया था। फिर बाप दादा ने कुछ इशारा किया शायद के बच्चे को ऐसे करके लाओ, तो फिर दादी ने माइक लिया, कहा सुरेंद्र भाई को स्टेज पर लेके आओ। मैं कोने में बैठा था, मैं चौंक गया एकदम, मेरे को तो कल्पना भी नहीं कि भगवान मुझे बुला सकता है, भगवान मुझे अपने उस समय मिलना जुलना मुश्किल हो गया था। हालांकि पहले हम हिस्ट्री हॉल में खूब खुल के मिलते थे, जितनी बार मिलना चाहो मिल सकते थे हिस्ट्री हॉल मेडिटेशन हॉल में, पर वहाँ तो मिलना संभव नहीं था। तो मुझे फिर शशिकांत भाई सुबह मेरे पास आके गए, चंद्रशेखर भाई वो मेरा बर्थडे सुबह मना के चले गए, बोले हमको गांव जाना है 5 गांव में, और तुलसी भाई उस समय वीडियो चलाता था सामने रहता था, ये तीनों मुझे उठा करके और टीचर्स बहनों के बीच में से जैसे गुड्डे को उठा के लाते हैं ऐसे वो उठा करके मेरे को ला के स्टेज पर खड़ा कर दिया। मैं घबराया हुआ, मैं डरा हुआ, बहुत कोई सोल कॉन्शियस स्टेज को, कोई आज मेरी स्थिति के कोई अशरीर अवस्था का मेरा अनुभव कुछ भी नहीं, डरा सा सहमा सा बाबा के सामने ला के अचानक खड़ा कर दिया। और जैसे ही मेरी बाबा से दृष्टि मिली, यूँ दृष्टि तो लेने की आदत है ही हम ब्राह्मणों की, सीधे दृष्टि पे दृष्टि जाती है, जैसे ही बाबा से दृष्टि मिली बस वो जादू कुछ नहीं कह सकता मैं। कभी मेरी जिंदगी में 45 साल में साक्षात्कार नहीं हुआ आज तक, ना आत्मा का हुआ ना परमात्मा का हुआ, कोई साक्षात्कार हुआ ही नहीं, पर वो साक्षात जो हुआ वो सीन बता रहा हूँ। ऐसी लाइट बाबा की भ्रकुटी से जैसे ऐसी निकल के यूँ आई, ऐसे स्टेज था वो ओम शांति भवन का, बीच में खड़ा था, यहाँ बाप दादा थे, वो लाइट जैसे ही मेरे ऊपर आई यूँ, और मैं यूँ देखा देखा मेरे ऊपर चढ़ी आ रही है, और मैं लड़खड़ा के नीचे गिर गया। वो यूँ खड़ा कर गए थे, मैं यूँ खड़ा था, सीधा उसको झेल नहीं पाया और मैं नीचे गिर गया। और जैसे ही मैं नीचे गिरा और मुझे ऐसा लगा कि चारों तरफ में छोटा सा भ्रूण जो माँ के पेट में कोख में होता है, वो भ्रूण का सीन आपने देखा होगा, मुड़ा हुआ सा बच्चा, जैसे मैं वो बच्चा बन गया हूँ और मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मैं सेमी कॉन्शियस था, पता नहीं हाफ कॉन्शियस था, पता नहीं क्या कहते हैं कौन सा कॉन्शियस था, वो जो भी था ऐसा था, मतलब ऐसी विचित्र सी स्थिति में मैं था। मुझे ये भी नहीं ध्यान के बाप दादा सामने हैं, कौन क्या है, सविता दीदी भी सामने बैठे हुए थे, हमारे नीमच के भाई बहन भी सामने बैठे हुए थे। तो बाप दादा ने बताते एक फूल दिया, पीला रंग का गुलाब था, तो दादी ने वो फूल लिया
और दादी ने मेरे मस्तक पे नीचे झुक के लगाया और बहुत प्यार से कहा, सुरेंद्र उठो सुरेंद्र। बस वो आवाज़ जैसे ही दादी की मेरे कान में आई, बहुत प्यार से सुरेंद्र शब्द कहती थी वो, उठो सुरेंद्र, और बस मैं अचानक खड़ा हो गया उठ के धन्य से। अब आप सोचिए, जिसको तीन आदमी गुड्डे के माफिक पुतले के माफिक उठा के लाएं, जो खड़ा हो सकता नहीं, और बस दादी की आवाज़ में क्या ताकत और बाबा के उस फूल में पता नहीं क्या जादू, मैं खड़ा हो गया और मेरी गर्दन सीधी हो गई। बस तब से रिकवर होते होते बहुत ज़बरदस्त रिकवरी हुई, बढ़ता चला गया और वो फूल ये रहा। वो फूल दादी ने मुझे दिया, आज भी इस फूल में इतनी जान है, इतनी पावर है, आज भी कन्वल्शन आते हैं, कभी कोई ब्रेन में स्ट्रोक आता है, कभी मुंह हिलता है, कभी ये हिलता है, वो फिर मैं आपको बताता हूँ, मेरे को फिर ये फूल मैं यहाँ लगा लेता हूँ और लेट जाता हूँ ज़मीन पे, जब भी कोई ऐसा आता है वो मैं सिर पे रख के लेट जाता हूँ और मैं ठीक हो जाता हूँ। ये जादू है, अब इसको जादू ही कहेंगे, मैं तो और कोई शब्द तो कह ही नहीं सकता। एक जरा सी लाइन होल, फिर 2013 तक तो मैं ठीक चला, 20 साल में लापरवाह हो गया, थोड़ा मिठाई भी खाना शुरू कर दिया, थोड़ा नमकीन भी खाना शुरू कर दिया, दिनचर्या भी अपसेट कर दी, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा 30 मार का समझने लग गया, सेवा भी बहुत करने लगा, सोना भी नहीं, नींद टाइम पे भी नहीं करना, और बहुत एग्जर्शन करने लगा। तो 2013 में ज़बरदस्त अटैक आया, बाथरूम में शेविंग करते 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 वो रेजर भी कट गया और पूरा हाथ ऐसे 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 पूरा और धड़ से नीचे गिर गया। मैंने कहा बाबा हाँ देखो जादू बताता हूँ मैं, यूँ बहुत तकलीफ में रहूँगा, टेंशन में भी आ जाऊँगा, गुस्सा भी आ जाता है, मेरे को थोड़ा कमज़ोर हूँ वो हो जाता है, लेकिन उस समय खुशी आ जाती है जब बीमारी आती है। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया बाबा आज, मैंने अब मैं अकेला कमरे में रहता हूँ, बिल्कुल एक छोटी सी कोठरी है मेरी, उसमें रहता हूँ, बड़े आराम से छोटा सा पलंग है, आगे छोटा सा 4x4 का बाथरूम है, मैं उसी में रहता हूँ अपने आराम से, बाकी सब हमारी बहनें महलों में रहती। तो वहाँ पे मैं जैसे ही गिरा, अब मैंने कहा वो घंटी कैसे बजाऊँ, इमरजेंसी बहनों को मालूम है कि भाई साहब की एक घंटी बजे मतलब वो बात करना चाहते हैं, दो घंटी बजे मतलब अर्जेंट बात करना चाहते हैं, और दो से ज़्यादा बजे मतलब इमरजेंसी है, भागो। और उनके पास एक चाबी रहती है ताकि ताला तोड़ के निकालना ना पड़े, मेरी कोई भी रात आखिरी हो सकती है, तो मैं इनको चाबी एक रहती इनके पास, एक चाबी रहती मेरे पास, कि कम से कम मेरा दरवाजे का नुकसान नहीं हो और मुझे आराम से निकाल सके, बाबा के घर में आपको नुकसान नहीं हो। वो व्यवस्था मेरी बरसों से चली आ रही है, आज भी हैं। बहनें भाग के आईं, मैं घसीट के पलंग पकड़ के जिद्दी से बाथरूम से, मैंने कहा बाबा घंटी तो मैं बजाऊंगा ही और आपको घंटी बजवानी है बस, बाकी तो बात ठीक है। तो बाबा ने घंटी बजवा दी, बहनें आ गई, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फटाफट ऑक्सीजन लगा के इंजेक्शन लगा के मुझे फ़ौरन सामवेद में वो 3.T या 0.3T पता नहीं कौन सी MRI होती है, वो MRI कराई और रात को 1:30 बजे इमरजेंसी में MRI कराई। तो वो जो टेक्नीशियन था ना बेचारा, वो सांसें भर रहा था बैठा बैठा, वो करते बोले अरे ये क्या हो, ये क्या, मैंने क्या हो गया भाई, तो बोले आपको मालूम है, मैंने कहा हाँ मालूम है, मेरे को तो बहुत समय से मालूम, आपके गुच्छे के गुच्छे हो गए ट्यूमर। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो गए क्या करें, हो गए तो हो गए, उसका कोई क्या करे, ठीक है। वो सुबह वहाँ स्टर्लिंग हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर सुधीर शाह से मेरा अपॉइंटमेंट था, सुधीर शाह ने जब उनको 3-4-5 डॉक्टर असिस्ट करते हैं, बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर, मैं तो पहली बार उनसे मिला, हमारे बनारसी भाई ने, हमारे दादीजी ने सबने फ़ोन कर दिए थे, बनारसी भाई साहब यहाँ ही नहीं है पता नहीं, उन्होंने वो हमेशा व्यवस्था करवाते हैं, BK की सारी व्यवस्था उनके हाथ में होती है। तो सुधीर शाह ने जैसे ही रिपोर्ट देखी, वो बोले पेशेंट कौन है, मैंने कहा मैं, बोले ये समझ में नहीं आ रहा ये पेशेंट कैसे हो सकता है, इसके ब्रेन का कोई सेंस बचा ही नहीं है, जहाँ ट्यूमर नहीं, अंगूर का गुच्छा टूट के बिखर गया है, पूरा ब्रेन ट्यूमर से भरा पड़ा है। तो मुझे एक शेर याद आया कि बर्बाद गुलिस्ता के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो मैंने उसको यूं मोल्ड किया कि बर्बाद जिस्म के लिए बस एक ही ट्यूमर काफ़ी है, अपने तो हर सेंस पे ट्यूमर बैठा है, अंजाम जिस्म फिर क्या होगा। ये मैं तो बड़ा इन्जॉय किया उसको, डॉक्टर ने सोचा ये पता नहीं क्या हो गया इसको,
तो बोले इसको भर्ती करो, ये टेस्ट वो टेस्ट, पता नहीं फटाफट फटाफट 10-12 टेस्ट, मेरे पास रिपोर्ट है सारी, जाने क्या क्या टेस्ट लिखा दिए मैंने। डॉक्टर साहब न तो मेरे को टेस्ट कराना, न मेरे को इंजेक्शन लगाना, न मेरे को गोली खाना। बोले फिर, मैंने कहा मैं तो खाली रिपोर्ट दिखाने आया था, मेरे को मालूम पड़ गया इतने ट्यूमर है, अब मेरे पास करने वाला है। बोले कौन करेगा? मैंने कहा जिसने पहले करा। बोले किसने करा? मैंने कहा आप नहीं समझेंगे, वो मैं जानूँ वो जाने, मेरे को छुट्टी दो बस, मेरे को नहीं मत जाने दो, आवा फटाफट छुट्टी नहीं दे सकते, मार संघर्ष हो गया। मैं उसको हिस्ट्री आधी घंटे तक छुट्टी कैसे ले सकते हो, पलंग से नीचे नहीं जा सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। साथ में वो भी थी बहन, क्या नाम था, नवरंगपुरा की इशिता बहन भी थी, वो भी देख देख के हंसे जा रही कि ये क्या कैसे डॉक्टर है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप नहीं देते हो तो मैं बाहर जबरदस्ती निकल गया। ये मनीष भाई भी यहाँ बैठा, वो भी था। मैंने कहा ये दीदी बोले नहीं नहीं डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं करो, तो मैंने कहा आप ऐसा करो मेरी देखिए, आप भर्ती हो जाओ, आप इंजेक्शन लगवा लो, टेस्ट करवा लो, मैं तो जा रहा हूँ। मैं बाहर निकल गया, बाहर निकल गया, तीसरे फ्लोर पे था, लिफ्ट बंद कर दी। बोनटीसी नर्स बोले नहीं जा नहीं सकते आप, आपको डिस्चार्ज दिया ही नहीं, कैसे जा सकते आप? तो मैंने कैसे नहीं जा सकते, आपकी लिफ्ट आपके पास रखो। मैं 3 मंजिल पैदल उतर के, लपक लपक के पैदल उतर गया, और मैंने गाड़ी का, महावीर भाई मैंने गाड़ी लाओ, मैं गाड़ी में बैठूंगा और चलूंगा। तो वो नर्स फिर भागी भागी नीचे आई, बोले भैया भैया ये आप कैसे जा रहे हैं? मैंने कहा मैं कोई कैदी हूँ क्या आपका? वहाँ से मैं ज़बरदस्ती भाग के वहाँ से निकला और फिर नीमच पहुँचा। मुझे आदरणीय हमारे जगदीश जी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत पालना दी, लगातार मेरी उनसे मुलाकात होती रही ज्ञानामृत में रहने के दौरान। उन्होंने मुझे सिखाया था कि सुरेंद्र भाई अगर आपने प्रयोग करना है, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो बोले आप पूरा ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ करके और 2:30 बजे आप उठना शुरू करिए और 2:30 बजे से आप योग करिए, बाबा को सामने रख करके वैद्यनाथ रूप में बाबा को सामने रखिएगा, वो लाइट डालिए। मैं आज तक उसी योग को प्रयोग करता हूँ। फिर हमारी दीदी जी के पास मैं वापस आया। ये दीदी जी देखो नारियल हैं, पूरा नारियल है, ऊपर से बहुत कड़क दिखती है, बोलती है तो भी थोड़ा बहुत खतरनाक स्टेज से बोलती है, परंतु अंदर से इतनी मीठी, इतना मीठा पानी उसमें नारियल में, इतनी सॉफ्ट, इतना कोमल दिल, इतनी रहम दिल के वो कहते हैं मेरे पे तो जैसे कोई बहुत 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 ज़्यादा मेहरबान। मुझे जब मर्जी बाबा के सामने खड़ा कर देती हैं, फिर खड़ा कर दिया, फिर एक फूल लिया वल्लभ भाई से, फिर वो भी लगा लिया, माला भी पहन ली मैंने, फिर ठीक हो गया। अब ठीक हुआ या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, कितने ट्यूमर हैं बढ़ते जा रहे हैं, जैसे संगम पे चढ़ती कला थी पहले, फिर बाद में उड़ती कला हुई, तो मेरे 9 से 90 हुए, 90 से पता नहीं कितने हुए, 200-250 पता नहीं पूरे ब्रेन में बिखर गए। मैं उसको बीमारी कहने से इतना डरता हूँ, मेरे उनको बीमारी क्यों कहूँ, मेरे लिए तो वरदान है वो ट्यूमर, मैं तो चाहता ही नहीं वो ठीक हो, सच्ची बताऊँ काय को ठीक हो, वो ट्यूमर ठीक, मैं भी ठीक, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, हम सफ़र बन के चल रहे हैं हम तो। वो मेरे ट्यूमर जैसे मेरा बाबा, ऐसे मेरे ट्यूमर मेरे मस्तक पे बैठे हुए मड़े मज़े से, नवरत्न पता नहीं कितने ताज, यूँ ताज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अष्टोत्तर में तो हुई नहीं, मैं 108 का भी नहीं हूँ, 16,000 की कोई गारंटी नहीं, पता नहीं बाबा क्या करे कहाँ ले जाए। तो वही ताज समझ के मैं चलता हूँ और बड़ा खुश रहता हूँ, बड़ा आनंद में रहता हूँ। बार बार चेतावनी देते हैं डॉक्टर वहाँ से, अच्छा सुधीर शाह ने 3 बार फ़ोन करके पूछा, इतना बड़ा डॉक्टर हमारे विपुल गर्ग जो हमारा फिजिशियन था, उससे फ़ोन करके पूछता है भाई वो सुरेंद्र भाई कैसा है, बोले वो ठीक है, बोले क्या कर रहा है, काय का इलाज कर रहा है, बोले कुछ नहीं कर रहा है, अरे बोले कैसे हो सकता है, बोले हो सकता है हो रहा है, बोले मैं बीके बन गया, बोले उसको देख के तो हमारे डॉक्टर भी कई बीके बन गए। खूब सेवा चलाई इन 25 सालों में, इतनी सेवा हुई अटा टूट, और सेवा के सागर में मैं रहता हूँ, और आप सबको मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। देखो मैं बहुत छोटा हूँ, मैंने बहुत गलतियाँ की होगी, और क्या मालूम कभी कभी थोड़ा आवेश आ जाता है, किसी से कुछ बोल भी दिया होगा, मैं आज आप सब से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगता हूँ, आप सब मुझे माफ़ करें, किसी का भी मैंने दिल दुखाया हो, किसी का दिल तोड़ा हो, सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ आज, और हमारी दादियों का, हमारी इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत सुंदर, इतना सुंदर अनुभव प्यारे बाप दादा ने इतना अनुभव कराए, और वो मन की उद्गार सुनते सुनते बाबा की महिमा, बाबा के बच्चों की महिमा कितनी अपरमापार हैं। अब इसके बाद एक बार ज़ोर से ताली बजाएंगे सुरेंद्र भाई के लिए, कितना इनके पास सब कुछ होते हुए भी बाबा ने हर बात को हल्का कर दिया
और भरपूर कर दिया इन्हें।